इस फिल्म की शुरुआत होती है दो भाइयों मैक और स्किनी से। मैक और स्किनी ब्लैक है पर इनका बेस्ट फ्रेंड टाइलर वाइट है। इन तीनों की तिगड़ी है। ये तीनों जब एक क्लब में है तब यहाँ इनकी एक लड़ाई हो गई है। ये लड़ाई पीजे से हुई है। पीजे से इनकी मारपीट हो गई। ये तीनों शहर में कारें चोरी करते हैं। पीजे भी कुछ ऐसे ही क्राइम्स करता रहता है। इस वजह से इनकी आपस में बनती नहीं है। मैक स्किनी और टाइलर साथ में मिलकर छोटे मोटे क्राइम करते रहते हैं। तीनों यहाँ से निकलते हैं और फिर पहुँचे हैं मैरीलैंड स्कूल ऑफ आर्ट्स में। तीनों ने यहाँ भी तोड़ फोड़ मचा दी। जब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का आना हुआ, टाइलर इस क्राइम का सारा इल्ज़ाम फिर अपने ऊपर ले लेता है। इस तरह मैक और स्किनी तो बच गए पर टाइलर के सर पर तोड़ फोड़ के साथ साथ वैंडलिज्म का भी इल्ज़ाम आया है। यहाँ की डायरेक्टर टाइलर से पूछताछ करती है। टाइलर कहता है कि उसे ये सारी गलतियाँ हो गई। उसे सजा दी गई है कि 200 घंटों तक स्कूल की कम्युनिटी सर्विस में काम करेगा। यहाँ की साफ सफाई का जिम्मा उसका है। लोगों को सर्व करना उसका काम होगा। अब यहाँ वो कस्टडियन के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पोछे तो मारता ही है, साथ में बल्ब भी चेंज करता है। ये सारे काम करते हुए उसकी नज़र एक दिन गई नोरा क्लार्क पर। वो देखता है कि नोरा काफ़ी खूबसूरत है। नोरा को डांस का बड़ा शौक है। वो डांस में करियर बनाना चाहती है। उसके फादर की डेथ काफ़ी पहले हो गई थी पर उसकी मदर ने उसे पाला। उसकी मदर तो ये चाहती है कि नोरा डांस वांस छोड़ दे और किसी दूसरे फील्ड में करियर बनाए। पर नोरा ने कुछ और ही प्लान किया है। स्कूल में एक ऑडिशन परफॉर्मेंस होने वाला है, सीनियर शोकेस। अगर नोरा इसमें अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे प्रोफेशनल डांस एकेडमी में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। वो अपने डांस पार्टनर एंड्रू के साथ इसकी प्रैक्टिस कर रही है पर वो पाती है कि एंड्रू में वो स्पार्क नहीं है। एक दिन वो स्कूल के बिल्डिंग में खड़ी खिड़की से देख रही है कि कुछ लड़के डांस कर रहे हैं। इनमें स्किनी और मैक के साथ है टाइलर। टाइलर जो कि डांस के स्टेप्स को बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। टाइलर ने कम्युनिटी हॉल में स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके अच्छे मूव सीख लिए हैं। उसका ब्रेक डांस बड़ा अच्छा है। नोरा देखती है कि टाइलर में एक क्वालिटी है कि वो स्टेप्स देखकर बड़ी जल्दी उन्हें सीख लेता है। डांस करते हुए टाइलर की नज़र खिड़की पर जाती है। वो देख लेता है कि नोरा उसे देख रही है। नोरा खुद को छुपा लेती है। अगले दिन टाइलर यहाँ सफाई कर रहा है जबकि नोरा अपने पार्टनर एंड्रू के साथ प्रैक्टिस कर रही है। ये बैले डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड्रू के एंकल में चोट आ गई। अब वो नोरा को उठा नहीं पा रहा। एंड्रू चला गया। नोरा और भी पार्टनर्स ट्राई करती है पर किसी के भी स्टेप्स वैसे नहीं है जैसे वो चाहती है। नोरा जब अकेले में है तब टाइलर जाकर उसे कहता है कि वो उसके साथ बैले डांस की प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकता है। पहले तो नोरा इससे इनकार करती है। टाइलर कहता है, मैं जानता हूँ कल तुम मुझे छुप कर देख रही थी, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए। फाइनली नोरा ने इसके लिए हाँ कर दिया। टाइलर के स्टेप्स देखकर नोरा को रियलाइज़ हुआ है कि टाइलर रूटीन स्टेप्स को हैंडल कर सकता है। अब उसने मन बना लिया है कि टाइलर ही उसका पार्टनर बनेगा। वो डायरेक्टर से मिलकर इस बारे में बात करती है। डायरेक्टर कहते हैं कि टाइलर तो पनिशमेंट भुगत रहा है पर नोरा उसे कन्विंस कर लेती है। इस तरह दोनों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। शुरू में तो दोनों में लड़ाइयाँ हुई पर धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। एक दिन जब नोरा और टाइलर साथ में बैठे हैं तब नोरा की फ्रेंड लूसी आ गई। लूसी भी इसी एकेडमी में डांस करती है। लूसी को जानकर हैरानी हुई है कि नोरा ने इन सब के बारे में उसे नहीं बताया। नोरा को बाद में लूसी छेड़ते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों आपस में संभोग करो तो डांस से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। नोरा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि टाइलर काफ़ी अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है। इस डांस क्लास में ही माइल्स है। माइल्स को लूसी पर क्रश है। माइल्स और टाइलर की दोस्ती भी डांस के दौरान बढ़ने लगी। डांस करते हुए कई बार नोरा और टाइलर एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं पर दोनों इस ख्याल को त्याग देते हैं। एक दिन डांस प्रैक्टिस के ख़त्म होने के बाद नोरा टाइलर से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ एक स्पेशल जगह चलोगे? टाइलर इसके लिए हाँ करता है। दोनों वाटर फ्रंट पर जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ नोरा ने पहली बार डांसर बनने का सपना देखा था। यहाँ दोनों डांस की प्रैक्टिस करते हैं। यह दोनों जब एक दूसरे को किस करने वाले थे कि फिर से दोनों ने अपना इरादा बदल दिया। टाइलर कहता है कि वो नोरा का सपना पूरा करने में ज़रूर मदद करेगा। टाइलर के अब नए नए दोस्त बनने लगे हैं जबकि मैक और स्किनी पीछे छूटते जा रहे हैं। इस वजह से उसके पुराने दोस्त उससे लड़ने लगते हैं। टाइलर उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर फेल हो गया। अब टाइलर चाहता है कि उसका भी स्कूल में एडमिशन हो जाए। वो डायरेक्टर गॉर्डन से इसकी परमिशन मांगता है। गॉर्डन कहते हैं कि पहले तुम प्रूव करो कि तुम स्कूल में एडमिशन लेने के लायक हो भी या नहीं।
नोरा भी टाइलर से कहती है कि अगर इस सीनियर शोकेस में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा उसका भी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। एक क्लब में माइल्स और लूसी साथ में डांस कर रहे हैं। इसी दौरान नोरा और टाइलर आपस में पहली बार चुंबन क्रिया करते हैं। इस तरह इन दोनों की रिलेशनशिप अब चल पड़ी है। दोनों डांस करने के बाद साथ में बीच पर घूमने जाते हैं, एक दूसरे से अपनी लाइफ शेयर करते हैं। एक शाम डांस के बाद दोनों स्कूल के प्रमाइस में अकेले में जाते हैं। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हुए निर्वस्त्र होते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। टाइलर के अपने दोस्तों से लड़ाई हो गई है, पर अब वो नोरा के लिए सीरियस होने लगा है। पर उसकी लव स्टोरी में ट्रेजेडी आ गई। एंड्रयू वापस आ गया है, उसके जख्म ठीक हो गए हैं, अब वो नोरा को उठा सकता है। ये सब देखकर टाइलर नोरा पर गुस्सा होता है। नोरा उसे कहती है कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। टाइलर ने ये क्लास छोड़ दिया है और वो घर जा रहा है। नोरा टाइलर के घर पर फोन लगाती है, पर फोन टाइलर की बहन ने उठाया है। टाइलर के कहने पर वो नोरा से झूठ बोलती है कि टाइलर यहाँ नहीं है। नोरा एंड्रयू के साथ प्रैक्टिस तो करती है, पर एंड्रयू ने खुद ही इससे बैकआउट कर लिया। वो कहता है कि इस डांस के स्टेप्स अब इतने कम समय में वो भी नहीं सीख पाएगा। इस तरह अब नोरा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी अब उसके लिए कोई भी पार्टनर नहीं बचा। वो अपनी मदर से कहती है कि अब वो डांस छोड़ रही है, अब वो कॉलेज की पढ़ाई करेगी और किसी और फील्ड में करियर बनाएगी। उसकी मदर को रियलाइज़ हो रहा है कि नोरा डांस करते हुए कितनी खुश रहती है। वो नोरा को डांस के लिए मोटिवेट करती है। वो कहती है कि तुम सोलो भी तो परफॉर्म कर सकती हो। इधर अब टाइलर भी इन सब से निकल जाना चाहता है। वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। एक पार्टी में टाइलर मैक और स्किनी के साथ है। इस पार्टी से जब स्किनी बाहर निकलता है तब उसे पीजे की कार दिखती है। वो देखता है कि इस कार में कोई नहीं है, वो इसे चुरा लेता है। यहाँ पीजे और उसके दोस्त आते हैं, वे स्किनी को शूट करके मार देते हैं। मैक काफ़ी इमोशनल होता है कि उसका भाई मर गया। स्किनी के फ्यूनरल में मैक टाइलर से कहता है कि हमें अपनी लाइफ में चोरियाँ बंद कर देनी चाहिए, एक जेंटलमैन की तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए। टाइलर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि उसे डांस छोड़ने का डिसीजन वापस लेना चाहिए। आज सीनियर शोकेस की परफॉर्मेंस है, इसके ठीक पहले टाइलर नोरा से मिलने पहुंचा है। वो कहता है कि उसे गलती हो गई, वो नोरा के साथ आज परफॉर्म करना चाहता है। नोरा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसने सारे स्टेप्स अकेले में प्रैक्टिस किए हैं, अब वो पार्टनर के साथ डांस नहीं कर पाएगी। निराश होकर टाइलर जाने लगा। नोरा ने अपना मन बदल लिया। इसके बाद दोनों स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। इन दोनों का डांस यहाँ सभी को पसंद आया है, ऑडियंस तालियां पीटती है। परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टर गॉर्डन ने नोरा को प्रोफेशनल डांस एकेडमी के डायरेक्टर से मिला दिया, जबकि टाइलर को भी इस एकेडमी के लिए चुन लिया गया है। दोनों बड़ी खुशी में एक दूसरे को किस करते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त।